समझ में नहीं आ रहा है, लेफ्ट दुख रहा है कि राइट दुख रहा है। आज दो नए स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। वैसे तो ये दोनों स्टूडेंट्स अमेरिका में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, लेकिन इंडिया में पढ़ने की इनकी इच्छा के चलते उन्होंने NRI कोटा में हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया। सो यू नीड टू बी वेरी सपोर्टिव एंड फ्रेंडली विद देम, ओके? अरे बाहर क्यों खड़े हो, कम इन, कम इन। स्टूडेंट्स, दिस इज अरविंद। हाय गाइस। और ये है बाला शमोगम। गाइस, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। Sure. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। पहले ही आप सिलेबस में 2 हफ्ते पीछे चल रहे हैं, तो आपको जल्दी से कवर करना होगा। ओके। नेहा, यस सर, ये तो वही है, इनको सिलेबस पूरा करवा देना और अच्छे से समझा भी देना। ओके सर। बॉयज जाइए बैठे। अरविंद है। अरविंद, मिस्टर अरविंद बुला रही है। सर ने जो कहा तुमने सुना? नहीं, क्या कहा? तुम्हारी कुछ क्लासेस मिस हो गई है ना, तो तुम मुझे पढ़ाओगे? हाँ, लेकिन अभी नहीं। क्लासेस शुरू होने से पहले 1 घंटा और क्लासेस खत्म होने के बाद सिर्फ 1 घंटा। ओके। अरविंद, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बताना पड़ा तो तुम्हारा नंबर दे दो। क्या चाहिए? तुम्हारा नंबर। मुझसे मेरा नंबर मांग रही है? याद है मैंने क्या कहा था? लाइफ बहुत छोटी है और दुनिया उससे भी छोटी है। एक दिन तुम मेरे पास आओगी और खुद मुझसे मेरा नंबर मांगोगी, याद है ना? देख लिया, आज वो दिन आ गया। तो ठीक है, तुम जाकर किसी और से मदद मांग लो, मैं सर से बात कर लेती हूँ। हेलो हेलो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, कोई नंबर मांगे तो देता हूँ। चलो लिख लो, जल्दी बोलो। 910-097-019। ओके। तुम्हारा नाम क्या बताया था? निकम्मी? नागिन की बेटी, ऐसा कुछ तो था क्या? इट्स नेहा। नेहा। सब मुझे प्यार से अभी कहते हैं। अरे चलो उठ, 8 बज गए। किधर जाना है? नेहा ने पढ़ाई के लिए बुलाया था, चल। ओ, अच्छा, तो अब तू ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहता है, MBA करना चाहता है, गोल्ड मेडल लेना चाहता है, भद्दी सी टोपी पहनना चाहता है, वो कोट पहनना चाहता है और फोटो खिंचवा कर अमेरिका जाना चाहता है। डूड, आई नो एवरीथिंग, मुझे अच्छी तरह पता है तू क्यों जा रहा है। जा, तुम मेरे हिस्से का पढ़ ले, मैं सो जाता हूँ इस कड़क गद्दे पर। मुलायम नींद आती है। नेहा, सॉरी नेहा, वो 6 बजे उठ गया था पर टंकी में पानी नहीं चढ़ा इसलिए लेट हो गया। कल से याद रखना, 8 o'clock मतलब शार्प 8 o'clock पहुंचना है, नहीं पहुंचे तो सर को बोल दूंगी। ओ, तो क्या कल से उन्हें भी बुलाओगी? बहुत ही सड़ा हुआ जोक था। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली डिमांड और इलास्टिसिटी पर कस्टमर बिहेवियर का बहुत फर्क पड़ता है, हम देखते हैं कैसे। अब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट। हाँ, उसके बाद क्या था? हेलो, मैं जो समझा रही हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ। तो बताओ, अब तक क्या क्या समझाया मैंने तुम्हें? तुम इंडिया की सामाजिक और आर्थिक समस्या के बारे में बता रही थी, जिसकी वजह है ये ब्लू ड्रेस, मतलब ब्लू प्रिंट, और वो क्या क्या था? अरे, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई घटती है, जिसकी वजह से इयररिंग्स, अर्निंग्स, अर्निंग्स और GDP ब्लैक मनी की वजह से गिर गई है, और जिसकी वजह से वो इकोनॉमी में पावर नहीं रहा है, जिसकी वजह भी ब्लैक मनी ही है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सोचे इन होटों के बारे में, मतलब गरीबों के बारे में। देखो, अपना दिमाग जगह पर रखो, तुम्हें पढ़ाने का मुझे कोई खास शौक नहीं है, सर ने कहा है इसलिए पढ़ा रही। नेक्स्ट टॉपिक।
अरे तुम गए क्यों नहीं? तुमने कहा था कॉलेज के बाद पढ़ाओगी, इसलिए वेट कर रहा था। गॉड आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। शांति का बर्थडे है ना, तो मैं हॉस्टल चली गई थी। अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है, हम लोग कल सुबह पढ़े प्लीज। ओके। अभी तुम जाओगे कैसे? पैदल जाऊंगा। पैदल जाने वाले हो, पर क्यों? बसेस टाइम से चलती हैं, 4:30 वाली चली गई, अगली जो है वो शायद 8 या 8:30 आएगी या उससे भी लेट, इसलिए पैदल जाऊंगा। वैसे तुम रहते कहाँ? यही साइड पे लगा दो। रुक जाओ। अभी बेटा बारिश होने वाली थी इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े उतार कर। थैंक्स सो मच आंटी, आप मेरी कितनी हेल्प करती हो, थैंक यू वेरी मच। आओ ना, कम। ये है मुजमीर का गरीब खाना। सर ने तो कहा था तुम यूएस से आए हो, पर तुम यहाँ क्यों रहते हो? डैड, हर एक की लाइफ में डैड हीरो होते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में एक ही विलन है, मेरे डैड। पैसों के भूखे हैं वो, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही काम किया, ढेर सारे पैसे कमाना। कभी अपने बेटे के सर पे प्यार से हाथ भी नहीं फेरा, यहां तक कि अपने हाथ से प्यार से धोने वाले तक नहीं खिलाए। बाप तो क्या पति का भी फर्ज पूरा नहीं किया, हर रोज नशे में घर लौटते थे। और फिर गुड नाइट। उस तनाव के माहौल में बस किताबें मेरा सहारा थी। ये किताब ना देख ले, इसलिए मैं हर वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी में ही रहता। महापुरुष कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, पर उस नेकी के दरिया को खरीदने का सपना मेरे डैड ने बना लिया। तभी से मैंने फैसला कर लिया कि मैं डैड की तरह गरीबों को नहीं लूटूंगा। इनफैक्ट अमेरिका में मैं लड़ा भी बहुत, मेरा मतलब इंसाफ के लिए लड़ा, इसलिए जेल भी जाना पड़ा, पर डैड ने पैसे बचाने के लिए जमानत नहीं दी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पैसों का इतना बुरा असर पड़ता देख मुझे पैसों से नफरत हो गई, लेकिन मेरे डैड नहीं बदले, उनका पागलपन और बढ़ता गया, इसलिए मैं वो सब कुछ ठुकरा कर यहाँ पर आ गया। मेरी सोच देखकर मेरा कजिन भी इंस्पायर हुआ, उसने कहा भाई मुझे भी नहीं चाहिए दौलत, अपने पैरों पे खड़े होंगे, इंडिया जाएंगे, MBA करेंगे, एक आम आदमी बनेंगे, क्योंकि आम आदमी ही सुकून से जीता है। नौटंकी, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। पेरेंट्स की कोई फाइनेंशियल मदद लिए बिना तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू। मैं जब अमेरिका से नया आया था किसी को जानता नहीं था, इसलिए दोस्ती करने के लिए तुमसे नंबर मांगा था, लेकिन तब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं पता था इसलिए। चलो अब तो तुम समझ गई मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मैं तो बचपन से ही लड़कियों की इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। नो, दैट्स ओके। ओके देन, बाय। बाय। अवि? हाँ? फ्रेंड्स? फ्रेंड्स? यस, ऑफ कोर्स। ओके देन, बाय। बाय। ब्रो, ये सब क्या था? अमेरिका में एक क्रैश कोर्स किया था, 10 मिनट में लड़की को बाटली में उतारने का। अमेरिका में? सपोज आपको कहीं बैंक से लोन लेना है, आप अपने आइडियाज लेकर बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि आपके आइडियाज में उसको अपना रिटर्न दिखता है, लेकिन आपका हिडन एजेंडा कुछ और है, आप कुछ और काम के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपने उस काम को करने में असफल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं लोन कैसे चुकाऊं, क्योंकि आपके पास तो लिक्विडिटी है नहीं, ऐसे में आप जो करेंगे सर, मैं अंदर आऊं? हाँ, कम इन। नोटिस है स्वाति, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने अर्जेंटली बुलाया है। तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि आपकी कोई कमाई तो हुई नहीं, तो आप लोन की पेमेंट कैसे करेंगे?
ऐसे में आपके मन में ये ख्याल आ सकता है क्यों ना माइकल माल्या जैसा बना जाए। सर ये क्या है स्वाति, तुमने अब तक अपनी सेमेस्टर की फीस नहीं भरी। सबको कहा गया था कि 25 तारीख तक यहाँ फीस आ जानी चाहिए। अब ना तुम्हें हॉल टिकट मिलेगा ना तुम एग्जाम दे पाओगे। अब तुम जा सकती हो। सर थोड़ी प्रॉब्लम है, आप प्लीज मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैनेजमेंट का ऑर्डर है कि जो फीस नहीं देगा वो एग्जाम में नहीं बैठेगा। मेरे सामने ऐसे रोकर और आंसू बहाकर कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट का यही ऑर्डर है और मेरा काम है मैनेजमेंट के ऑर्डर को फॉलो करना। तुम जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5000 रुपीस अकाउंट में आ गए हैं। अब इसमें क्या होता है आज रात को कि हम जब भी कोई लोन लेने जाते हैं तो कोई ना कोई चीज गिरवी रखते हैं। इसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं। इसी सिक्योरिटी पर हमें लोन मिलता है। बैंक हमें लोन ना देने पर यही सिक्योरिटी जब्त कर लेती है और इसी एनालिसिस को हम सिक्योरिटी एनालिसिस कहते हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए आज के लिए इतना काफी है। अरे एक और पैक देना। भाव क्यों कर रहे हो? एक पैक मतलब एक पैक, बजट के बाहर नहीं जाना समझा? एक लार्ज देना। एक पैक और सर? नहीं जरा जल्दी। वन मोर। कम से कम हमने सोचा कि बजट में रहना चाहिए। इसका मतलब हम सुधर रहे हैं। हम सुधर रहे हैं, देश भी सुधर रहा है सर। देख रहे हैं पापा, हमारी सोच बदल गई है, हम सुधर भी रहे हैं। इस बात पे हो जाए। हम कितना सुधर गए ना। सही बोला, लेकिन तू नेहा के मामले में नहीं बदल रहा है। तुझे 5000 लेने। नेहा, नेहा? मैं और बादशाह पढ़ाई कर रहे हैं। सुनो यहाँ पर, आजा आजा। क्या ऐसा? क्या ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। अरे इतनी रात को क्या है, अभी थोड़ी पढ़ाई कराएगी। वो नेहा की दोस्त है ना स्वाति, वो स्कॉलर। हाँ। उसने फीस नहीं भरी तो कॉलेज ने उसे निकाल दिया, आत्महत्या करने की कोशिश की। चल जल्दी चल, तू बिल भर के जल्दी आ जा।